हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए थे। पहला लेसन बायोटेक्नोलॉजी में था, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल। दूसरा है एप्लीकेशन। आज हम लोग एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। दूसरा लेसन कौन सा है? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशन का मतलब उपयोग। पहले था प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल मतलब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग जाने। आज उसका है तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का आखिरकार क्या क्या फायदे हैं उनके बारे में जानी। मैंने इसमें कुछ शब्द लिखे, अभी आपको लिखना नहीं है, पहले आपको सुन लेना है। पहले मैं पूरे लेसन की समरी बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं लिखूंगा भी और समझाऊंगा भी एक एक पॉइंट, ठीक है ना। अभी केवल आपको सुनना है कि जो दूसरा लेसन है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। इसके अलावा मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दूंगा दोनों लेसन एक साथ। तो पहले एप्लीकेशन के बारे में जाने, आखिरकार एप्लीकेशन का क्या मतलब है। एप्लीकेशन का मतलब है इसका उपयोग क्या है, आखिरकार जो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग सीखे उसका उपयोग कहाँ 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 है, किस तरीके से आज उपयोग हो रहा है। सिंपल सी बात है, बायोटेक्नोलॉजी का आज यूज हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन से मतलब कृषि से संबंधित हो, चाहे वो मेडिसिन से संबंधित हो, मतलब हर जगह बायोटेक्नोलॉजी का यूज है। बिना बायोटेक्नोलॉजी के आज कोई भी चीज संभव नहीं है हर जगह, चाहे वो खेती हो, चाहे वो दूध का उत्पादन हो। दूध के उत्पादन में भी बायोटेक्नोलॉजी, पहले 1970 के पहले आप एक चीज देखो कि बायोटेक्नोलॉजी के मतलब कि दूध से दही या दूसरे प्रोडक्ट बनते थे, पर आज और भी सारी चीजें और भी बहुत सारे चेंज आए। आप देखते हो दूध अमूल कंपनी के, सबसे पहले अमूल कंपनी का जो संस्थापक थे, व्हाइट रिवोल्यूशन का संस्थापक इन्हें बोलते हैं सीवी कुरियन। क्या नाम था? सीवी कुरियन, जिनको व्हाइट रिवोल्यूशन का फादर बोलते हैं। तो आप देखो रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, ये तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। खेत हरे भरे होते हैं उसके लिए ग्रीन रिवोल्यूशन, आपका दूध व्हाइट होता है तो उसके लिए व्हाइट रिवोल्यूशन। ऐसे शब्द आप देख सकते हो, जान सकते हो। फिलहाल हमें ये सारी बातें डिस्कस अकेले नहीं करनी, हमें डिस्कस करना है आखिरकार इस लेसन में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। जैसे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इस लेसन में, मैंने कुछ शब्द लिखे। एक तो मैंने लिखा जीएमओ, दूसरा मैंने लिखा वीटी कॉटन, तीसरा लिखा आरएनए इंटरफेरेंस, चौथा लिखा ह्यूमन इंसुलिन, पांचवा लिखा जीन थेरेपी, छठवां लिखा मोलिकुलर डायग्नोसिस, सातवां लिखा ट्रांसजेनिक एनिमल और आठवां लिखा प्रॉब्लम ऑफ पेटेंट। आखिरकार इन सब चीजों का मतलब क्या है? देखो जीएमओ का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आज बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, आपने कल पढ़ाई था या पिछले लेसन में पढ़ाई था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कहीं ना कहीं अच्छे जैसे हम लोग बात करते हैं, आज खेती के केस में देख ले, आज विभिन्न प्रकार की वेरायटी है, चावल गेहूं जाने कितनी वेरायटी है, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बनाएंगे ना, तो इनको क्या बोलते हैं? जीएमओ। मतलब आज बड़े स्तर पे प्रोडक्ट्स, पहले पता चला 1 बीघे में पता चला 2 क्विंटल गेहूं हो रहा, 5 क्विंटल गेहूं हो रहा, आज ऐसा ऐसा वो आ गया कि 10 10 क्विंटल गेहूं प्रोडक्ट हो रहा है, या और भी अच्छी अच्छी वेरायटी के चावल आ गए, जाने कितने प्रकार का बासमती चावल आ गए, बहुत सारी चीजें अलग अलग वेरायटी अलग अलग तरीके से जीन को मिलाने से पैदा की गई। ऐसे ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट के केस में हो, चाहे वो एनिमल के केस में हो, आज एनिमल्स की भी इतनी सारी ब्रीड है, तो ये सब क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जीएमओ का मतलब क्या हुआ? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात आती है बीटी कॉटन, ये काफी इंपॉर्टेंट। बीटी कॉटन की बात करें, एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्रोजेनेसिस। कौन सा होता है? बैसिलस थ्रोजेनेसिस। उसके अंदर एक प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन या कह सकते हैं टॉक्सिन, उसके अंदर एक जहर का प्रोडक्शन होता है या टॉक्सिन का प्रोडक्शन होता है, जिसे बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। चूंकि ये बैसिलस थ्रूजेनेसिस बैक्टीरिया से रिलेटेड है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? बीटी टॉक्सिन। क्या बोलेंगे? या उस प्रोटीन जो उसके अंदर मैंने कहा बैसिलस थ्रूजेनेसिस बैक्टीरिया के अंदर एक प्रोटीन बनती है, एक जहर बनता है, जिसे क्या बोलते हैं? बीटी टॉक्सिन बोलते हैं। अब इस जहर का क्या इफेक्ट है, क्या फायदा है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इस जहर का क्या यूज किया गया? तो एक्चुअली साइंटिस्ट ने इसको निकाला और इसको डाल दिया, जैसे कपास की फसल है या और भी फसल है जिनको कीड़े खा जाते थे, तो उस फसल में इस जीन को इन्होंने डाल दी। ये जो जीन है, ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के जीन को किसमें डाला? जो कपास की फसल या कुछ, अब कपास की फसल को जो कीड़े खा जाते थे उनमें क्या हुआ, जब उन्होंने इसके पत्तों को खाया, कपास के पत्तों को खाया, तो ये जीन जो थी, ये प्रोटीन बीटी टॉक्सिन जो है, जो भी बैसिलस थ्रोजेनेसिस बैक्टीरिया से निकाला गया था, ये बीटी टॉक्सिन उनकी हार नली में मतलब कि उनकी गट में पहुंचती है, और गट का एलिमेंट्री कैनाल का जो गट का पीएच होता है वो होता है एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन मीडियम में जाते ही मतलब कि मिड गट में जाते ही ये क्या है, सोयल फूलने लगता है। ये एक्चुअली क्या है, ये फूलने लगेगा, फूलने के कारण क्या करेगा, ये उसकी एलिमेंट्री कैनाल में या गट में छिद्र कर देगा, फोर्स कर देगा,
उसको डैमेज कर देगा, इस तरीके से इंसेक्ट मारा जाएगा या इंसेक्ट उस खेत को छोड़ के ही भाग जाएगा। तो आजकल इस तरीके की भी खेती की जा रही है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। तो याद रखना बीटी कॉटन शब्द मैंने क्यों लिखा। हाँ, अब आप कहोगे कि ये बैक्टीरिया की प्रोटीन है तो बैक्टीरिया को क्यों नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर ही इनएक्टिव फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है प्रोटीन, या ये जो टॉक्सिन होता है बीटी टॉक्सिन, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। परंतु जब ये किसी भी जैसे कपास की फसल में या उसको मिलाया गया था, इसके जीन को डाल के जो कपास की फसल तैयार की गई थी, उसके पत्ते को या उस पेड़ को जब किसी भी कीड़े ने खाया, तो कीड़े के अंदर जब ये पहुंचता है प्रोटीन या ये जो टॉक्सिन पहुंचता है, वहां पे कीड़े की आहार नली मतलब मिडगट, मेनली उसकी जो मिडगट होती है एलिमेंट्री कैनाल या गट का जो मिडगट पार्ट होता है, मिडगट में क्या होता है एल्कलाइन मीडियम, मिडगट के एल्कलाइन मीडियम के साथ ये कैसा हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है। और जब एक्टिव फॉर्म में हो जाता है तो हार्मफुल साबित होता है इंसेक्ट के लिए। तो इस तरीके से फसलों को बचाया जा रहा है। तो बीटी कॉटन आपको समझ में आया, जीएमओ। तीसरा पॉइंट है आरएनए इंटरफेरेज। जब आरएनए इंटरफेरेज, इसमें भी बच्चे बहुत परेशान रहते, पूछते रहते सर आरएनए इंटरफेरेज का क्या मतलब। बहुत ही सिंपल सा मतलब है आरएनए इंटरफेरेज का। आरएनए इंटरफेरेज का मतलब है जैसे कुछ ऐसे नेमेटोड देखे गए, कुछ ऐसे नेमेटोड, अभी मैं उन सब नाम लिखाऊंगा, ऐसे कीड़े देखे गए नेमेटोड देखे गए जो देखा जाए तंबाकू की फसल को खराब कर देते थे, उसकी जड़ों को खराब कर देते थे। तंबाकू फसल नहीं होती थी, और तंबाकू की फसल नहीं होगी तो गुटखा सिगरेट वाले बेचारे बर्बाद हो जाएंगे ना। कहीं ना कहीं देखा जाए तंबाकू की फसल नहीं होती थी, जब तंबाकू की फसल नहीं होती थी तो आखिरकार देखा गया इसका कारण क्या है, तो देखा गया कि ये जो निमेटोड है, ये निमेटोड आप जानते हो फाइलम एस्केलमिंथी निमेटोड याद आ रहे होंगे, इसका मेंबर है और ये इसको होने नहीं दे रहा है, फसल को इसकी रूट को खराब कर दे रहा है। तो इन्होंने सोचा कि क्या दिमाग लगाया जाए, साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाया कि इसको रोका जाए, इसको बचाया जाए। तो होता क्या है, जैसे मैंने कहा आरएनए इंटरफेरेज, आरएनए को इंटरफेयर कर दो, इंटरफेयर मतलब आरएनए के अंदर कोई ऐसा चेंज ला दो जिससे कि आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, तो चीज खराब नहीं होगी। जैसे आप देखते हैं कोई भी प्रोसेस होती है, जैसे डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से क्या बनता है प्रोटीन बनता है, क्या बनता है। तो कीड़ा क्या करता है, फसल को खाता था तो डीएनए से कीड़ा किस तरीके से खराब करता था, जो नेमाटोड था गेहूं की फसल को किस तरीके से खराब करता था, डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनती है प्रोटीन बनती है। अगर हम प्रोटीन ना बनने दें, अगर हम प्रोटीन ना बनने दें तो क्या होगा, तो चीज खराब नहीं होगी या वो फसल पे इफेक्ट नहीं होगा। तो होता क्या था कि जो आरएनए है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडर्ड होता है, इसके संबंधित एक और आरएनए बनाया गया, और इस तरीके से आरएनए जो बन गया ना, ये बन गया डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए। क्या बन गया, ये डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए बन जाता है, और इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। क्या है, आरएनए का एक और रूप बनाया गया और इसको इसके साथ जोड़ दिया। तो जो आरएनए था डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन बनने की जो कंप्लीट प्रोसेस हो रही थी वो यहीं की यहीं रुक जाती, इंटरफेयर हो जाती आरएनए के केस में, इसको रोक दिया जाता, इस तरीके से जीन को इंट्रोड्यूस कराया जाता। इसकी डिटेल हम बताएंगे अभी और अच्छे से, अभी केवल मैं शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, तो मैंने नॉर्मली कहा डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, पर प्रोटीन ना बनने दिया जाए, प्रोसेस को पहले रोक दिया जाए, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड बन जाता, फिर आगे वो प्रोटीन में चेंज नहीं होता। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस। इस तरीके से आरएनए को रोक लिया गया। क्लियर हो गई बात, इतनी बात समझ में आई आपको। ओके, तो एक दो तीन पॉइंट, उसके बाद ह्यूमन इंसुलिन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ह्यूमन इंसुलिन। अगर हम लोग ह्यूमन इंसुलिन की बात करें, एक्चुअली क्या है कि पहले आज देखते हो डायबिटीज बहुत बड़ी समस्या है, डायबिटीज बहुत बड़ी समस्या है। तो आखिरकार डायबिटीज के लिए मेडिसिन है किस तरीके से कर, पहले क्या होता है, अब आपको मालूम है डायबिटीज होने का कारण, आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था तो आपको मालूम है जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। अब हुआ क्या कि पहले इंसुलिन निकाला जाता था पिग के पैंक्रियास से या दूसरे पालतू जानवरों के पैंक्रियास से इंसुलिन निकाला जाता था, पर एक समस्या आती थी। उस इंसुलिन का जब यूज किया जाता था तो इंसान के अंदर क्या होती थी, एलर्जी हो जाना, दाने निकलना बॉडी में, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती थी। साइंटिस्ट ने सोचा कि कोई नया उपयोग किया जाए, नया चीज किया जाए, तो किस तरीके से इसको ऐसे उपलब्ध कराया जाए कि काम भी चल जाए। हुआ है कि नॉर्मली जो होता है
नॉर्मली देखा गया कि पैंक्रियाज जो होता है ना, पैंक्रियाज जब इनएक्टिव, सॉरी, नॉर्मली देखा गया जो इंसुलिन होता है वो कैसे होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है और उसमें तीन चैन होती हैं। जब वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो उसमें तीन चैन होती है, ए बी और सी। कौन कौन सी चैन होती है? ए चैन, बी चैन और सी चैन। ए और बी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। जब वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है तो इंसुलिन जब कैसे फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, कितनी चैन होती है बोलो जल्दी से? ए बी और सी। इंसुलिन में कितनी चैन होती है? तीन चैन होती है, ए बी सी। ए और बी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। परंतु जब इंसुलिन एक्टिव फॉर्म में बदलता है तो सी चैन हट जाती है। क्या हो जाता है? सी चैन हट जाती है, मतलब ए और बी चैन ही। तो अगर नॉर्मली देखा जाए जब इनएक्टिव फॉर्म में इंसुलिन होता है तो ए बी और सी थी, जबकि एक्टिव फॉर्म में क्या है? ए और बी, उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्डेड। साइंटिस्ट ने सोचा या ये सी चैन के कारण तो डिस्टरबेंस है तो सी चैन को हटा ही दें। तो एक अमेरिकन कंपनी थी इली लिली, याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, अमेरिकन कंपनी थी इली लिली। इसने क्या किया, इसने सबसे पहले आर्टिफिशियल तरीके से आपका ई कोलाई के प्लाज्मिड का यूज करके ए और बी चैन बनाई, उनके बीच में क्या किया, डाइसल्फाइड बॉन्ड को भी लगाया, उस तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से इंसुलिन को तैयार किया। अमेरिकन कंपनी थी इली लिली। तो समझ में आया इंसुलिन के बारे में, क्लियर हो गया। इंसुलिन डायबिटीज में यूज किया जाएगा। उसके बाद है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूँ 100%। सुन भी लोगे तो क्वेश्चन निकल जाएंगे। मैंने बोला नेक्स्ट जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होती है? सिंपल सी बात है, जीन की थेरेपी करा दी जाए तो उसको जीन थेरेपी बोलते हैं। सबसे पहले जीन थेरेपी 4 साल की बच्ची में की गई थी। होता क्या था, एक बच्ची थी जिसको एडीए की डेफिशिएंसी थी। एडीए, एडेनोसिन सुना होगा शायद आपने, एक एंजाइम होता है एडीए, इस एंजाइम की कमी थी। तो इस एंजाइम एडीए जो एंजाइम है, इसकी कमी से समस्या क्या होती है? इसकी कमी से समस्या होती है कि बच्चे की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो बहुत कमजोर होती है, जिस कारण से बच्चे का सरवाइव करना मुश्किल है, वो मर सकता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये जो जीन की थेरेपी की थी, ये की थी एक बच्ची थी, सिंपल सी बात है, एक बच्ची थी 4 साल की बच्ची थी। सबसे पहले वो तो उसकी लिम्फोसाइट को निकाला और उसमें क्या किया, उसमें जीन का इस तरीके इंसर्शन किया कि उसकी इम्यूनिटी मजबूत की जा सके। और इस तरीके से मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, लॉन्ग फॉर्म में बाद में डिस्कस करूंगा। कुल मिला के अगर पूछा जाए जीन थेरेपी किसमें की गई, तो आपका वो एक 4 साल की बच्ची में सबसे पहले की गई थी। एडीए एंजाइम की कमी के कारण जीन की थेरेपी करानी पड़ती है, बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता है। हाँ एक चीज और है, अगर इनको जितने जल्दी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही जीन थेरेपी या बहुत ही छोटी स्टेज में करा दी जाए तब तो संभव है, जितना बड़ा होता जाएगा उतना समस्या पैदा होती जाए, उतना आसान नहीं होता है जीन थेरेपी कराना। और इससे रिलेटेड है एडीए एंजाइम की कमी के कारण यह होता है। उसके बाद मॉलिकुलर डायग्नोसिस। मॉलिकुलर डायग्नोसिस हम लोग पढ़ेंगे, पीसीआर टेक्नोलॉजी और इन सब बातों के बारे में पढ़ेंगे। तो पीसीआर टेक्नोलॉजी आप जानते हो। उसके बाद है ट्रांसजेनिक एनिमल। सिंपल सी बात है, जीन का ट्रांसफर करके जो बनाए गए, जैसे जीएमओ था उसी तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो गए। हाँ सबसे ज्यादा इतने सारे आज खरगोश, चूहा, बिल्ली, पता नहीं कितने एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए। तो जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनमें याद रखना 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो चूहे हैं। मतलब कि सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है? चूहे हैं। तो सिंपल सी बात है, रिसर्च वगैरह में इन सब चीजों में यूज होता है। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ पेटेंट। मैंने शब्द यूज किया प्रॉब्लम ऑफ पेटेंट का क्या मतलब है, जैसे आज मैं आपसे बात करूं, आप नीम का पेड़ देखते हो, आप हल्दी के बारे में जानते हो, बहुत सारी बातें आपने देखी। नीम अपने यहाँ चारों तरफ लगी रहती है, नीम का आप उपयोग भी जाने, नीम का कितना सारा उपयोग है, कितना अच्छा प्लांट होता है नीम, एंटीबैक्टीरियल होता है, जाने कितनी इंपॉर्टेंस है नीम की। कुछ समय पहले की बात है कि अमेरिका ने इसको पेटेंट कर लिया। पेटेंट का मतलब होता है कि हमारी आज्ञा के बिना इसको कोई यूज नहीं कर सकता है। तो इंडिया के कुछ साइंटिस्ट थे या जो जो जॉब कर रहे थे अमेरिका में, इन्होंने उस पर केस किया कि ये तो हमारे पुरातन काल से यूज होती आ रही नीम, आप कैसे पेटेंट कर सकते हो। बाद में उनको उसका पेटेंट हटाना पड़ा। मतलब कि यार पेटेंट कर लिया, मतलब उनके बिना अगर आप पे केस हो जाएगा अमेरिका वगैरह में, अगर ये पेटेंट हो गया तो फाइनल रहता। तो ये होता कि आप अपनी मर्जी से दातुन भी नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से नीम का यूज
नहीं कर सकते या जो मेडिसिन ही कर सकते थे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याएं थी, बाद में कैंसिल हुआ। ऐसे ही बासमती चावल को लेके भी हुआ था पेटेंट, तो बासमती चावल तो इंडिया में जाने कब से चल रहा है और अमेरिका ने पेटेंट कर लिया, तो वहां भी यही समस्या क्रिएट होती है कि पेटेंट हम किस बेस पे कर सकती है। हमारे यहाँ पहले से ही यूज, और हल्दी को देखो आज हम लोग देखते हैं बहुत सारी क्रीम, कहीं कुछ, पहले लोग क्या करते थे, किसी का कहीं कुछ कट जा रहा हल्दी लगा लो, ऐसा कर लो खून निकल रहा हल्दी लगा लो, हल्दी तेल लगा देते थे, सही भी हो जाता था। तो एंटीसेप्टिक होती हल्दी, तो हल्दी पे भी पेटेंट हो गया था, उसको भी उन्होंने दिखाया कि ये तो हमारे यहाँ सदियों से शादियों में भी हल्दी का ही लेपन किया जाता है। हर तरीके से देखा जाए हल्दी की इतनी इंपॉर्टेंस है उस बेस पे, अमेरिका को वो भी पेटेंट कैंसिल करना पड़ा था। इस तरीके से बहुत सारी लंबी स्टोरी है, बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में स्टोरी है, परंतु मैं एक एक पॉइंट आपको जो इंट्रोडक्शन दिया हूँ इनको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आपको एक नॉर्मल बात इनके बारे में समझ में आ गई, हम लोग जब डिटेल से इनको जानेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे, आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जितना मैंने आपको बोला। ओके।